सो हाय गाइस, दिस इज चर्चित मिश्र। भूत प्रेत की कहानियां हमेशा से ही रोमांचक रहती हैं। कई लोगों को हॉरर मूवी देखना काफी पसंद होता है और कई लोगों को हॉरर मूवीज देखकर काफी ज्यादा डर लगता है। क्या भूत वास्तव में होते हैं या सिर्फ एक तरह का भ्रम है या फिर एक तरह की बातें हैं? क्या लोग कहते हैं कि भूती जगह यानी कुछ हॉन्टेड, क्या ये सिर्फ डराने का तरीका है या फिर सच में ऐसी कुछ जगह होती है? वैज्ञानिक आत्मा और भूत जैसी चीजों को एक भ्रम मानता है और कई जगह साइंटिफिक रिसर्च ने इसे असली भूत होते हैं ये चीज साइंटिफिकली प्रूफ की गई है और कुछ लोग ये दावा करते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जैसे कि डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्रीज ये प्रूफ करती है कि हॉन्टेड प्लेसेस होती है और उन्होंने इन दावों को सच्चा साबित किया है। भारत में भी कुछ ऐसी ही डरावनी जगह है जो कि काफी ज्यादा अजीबोगरीब है। पारलौकिक घटनाओं और गतिविधियों के लिए जानी जाती है। भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ हकीकत में भूत देखे जाने को लोग लगभग सच मानते। तो आइए जानते हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपका सबसे पहले आएगी, क्योंकि हम इस तरह की फैक्ट वाली वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर आपने हमारी हॉरर फैक्ट वाली अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं कर रखी तो इसे अभी हाल ही एक्सेस करें, जिससे हमारी आने वाली सारी हॉरर फैक्ट की वीडियो आपको सबसे पहले। तो ये शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है भानगढ़ किला। भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। यहाँ तक कि भारत की नहीं, ये एशिया की सबसे ज्यादा डरावनी यानी हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने के लिए चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर में रहने वाला एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया था, जिस पर तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था, जिससे बाद राजकुमारी को अपने वश में करके तांत्रिक ने उसका शारीरिक शोषण किया। लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जादूगर ने मरते वक्त भानगढ़ किले को शाप दे दिया था कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा, यहाँ पर किसी भी तरह के लोग बस नहीं पाएंगे। उस श्राप के बाद इस किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा इन किले के अंदर भ्रमण करती रहती है। सेकंड नंबर पे आता है सैफरन बीपीओ, दिल्ली की सबसे भूतिया जगह। कब्रिस्तान के ऊपर बना गुड़गांव का सैफरन कॉल सेंटर बीपीओ गुड़गांव की सबसे भूता जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस बीपीओ में रोज नाम की समय निष्ठ यानी पंक्चुअल और मेहनती लड़की काम करती थी। कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीतती रही। एक दिन अचानक फोन पर बहुत लंबी बातचीत करने के बाद उसने लंबी छुट्टी ले ली, जो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती चली गई। उसके सहकर्मियों ने उसके मकान मालिक से बात की तो उन्हें पता चला कि इस नाम की कोई भी लड़की उनके यहाँ नहीं रहती है। बहुत खोजबीन के बाद उसके परिवार ढूंढा गया, जिन्होंने बताया कि रोज 8 साल पहले मर चुकी है। उसके दोस्त और सहकर्मी महीनों तक सदमे और दहशत की स्थिति में रहे और अभी तक भी यह राज कायम है। थर्ड नंबर पे आता है जटिंगा घाटी। असम में जटिंगा घाटी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों वाली जगह है, लेकिन सितंबर के महीने में हर अमावस रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं यानी माइग्रेटेड पक्षी होते हैं, यानी बाहर किसी जगह से आए हुए पक्षी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाते। यानी जो पक्षी बाहर से यहाँ पर आ जाते हैं वो पक्षी यहाँ से वापस नहीं जा पाते हैं। इन पक्षियों के यहाँ आकर मरने के पीछे क्या कारण है आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा होता है, ये बात सच है। फोर्थ नंबर पे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों को सिर्फ खंडहर ही रास आते हैं तो आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जानना होगा। रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूतों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फिल्म सिटी उसी जगह पर बनी है जहां पर कभी हैदराबाद के निजाम की सेना के विरोधी की सेना से दो दो हाथ किया था। इस युद्ध में काफी सैनिक मारे गए थे जिन्हें यहीं दफना दिया गया था। कहा जाता है कि यहां उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मत सैनिक यहां आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। फिफ्थ नंबर पे है कुलधारा गांव जैसलमेर। राजस्थान का ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार एक मंत्री गांव की सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। ग्रामीण ने उसका विरोध किया तो मंत्री ने उनका लगान दो गुना कर दिया, जिससे गांव वालों ने यह जगह छोड़ दी और तब से यहां कोई भी नहीं रहता। सालों से वीरान पड़ा यह गांव
खंडहर बन गया है। यहाँ आने वाले टूरिस्टों का कहना है यहाँ गांव वासियों को आज ही महसूस किया जाता है। यहाँ भी सूर्यास्त के बाद जाना मना है। इसके अलावा राजस्थान में और भी कई डरावनी जगह है जहाँ पर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। 6 नंबर पे आता है थ्री किंग्स चर्च गोवा। गोवा के इस चर्च में 3 पुर्तगाल राजाओं की आत्मा भटकती है। यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ रहने वाले तीनों राजाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इस महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से इस चर्च को भूतिया निवास माना गया। 7 नंबर पे आता है सवाई होटल मसूरी। सन 1910 में अंग्रेज शासन काल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हो गई थी। इसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारों को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग के से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का यह मानना है कि हत्याओं के पीछे उसी लड़की आर्मी यानी उस लड़की आर्मी का ही हाथ है। 8 नंबर पे आता है राजकिशन होटल मुंबई। राजकिशन होटल के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में ठहरने वालों की शिकायत है कि रात को उसकी कोई चादर खींचता है तो कोई उसको मार के जगाता है। इस कमरे की शुरुआती खामोशी ही उसको डराने की काफी है। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर में कई सारी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं जो इस जगह को डरावनी बनाती है। 9 नंबर पे आता है मेरठ का जीपी ब्लॉक। यूपी के मेरठ में जीपी ब्लॉक स्थित एक घर जो कई लड़का लड़कियों भूत का निवास स्थान बताया जाता है। मेरठ के भूत बंगले को लेकर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह बंगला गंगानगर के जीपी ब्लॉक में है। 10 नंबर पे आता है बड़ोग सुरंग। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोग ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोग सुरंग भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इचार्ज बड़ोग ने एक बड़ी भूल कर दी थी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे की भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर 1 रुपया जुर्माना किया गया। आप सोचोगे सिर्फ 1 रुपया जुर्माना? हाँ, उस टाइम 1 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी। अपनी इस चूक से वह इतनी अधिक दुखी हुए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ शेर पर जाते हुए सुख गोली मार कर आत्महत्या कर ली। लोगों का मानना है कि आज भी इस सुरंग के अंदर उस अंग्रेज इंजीनियर की आत्मा भटकती रही और लोगों को इस सुरंग के अंदर जाने के लिए बकायदा बोर्ड लगाकर मना किया जाता है। कैसे लगी आपको इंडिया की ये 10 सबसे अजीबोगरीब भूतिया जगह? ये सारी जगहें गवर्नमेंट द्वारा प्रूफ की गई हैं कि ये सभी जगहें हॉन्टेड हैं और इन्हें ऑफिशियल रूप से हॉन्टेड डिक्लेयर भी किया है और यहाँ पर जाना अलाव भी नहीं है। यहाँ पर जाना सख्त मना है। आपको ये वीडियो किस लगी कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।